प्रतीक सहजपाल के फैंस एक बार फिर से भड़क गए हैं खतरों के खिलाड़ी 12 के मेकर्स और कलर्स वालों पे। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों एक बार फिर से प्रतीक फैन को आई गुस्सा, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल गपशप्तों को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दरअसल जब से खतरों के खिलाड़ी 12 शुरू हुआ है, तब से फैंस का ये कहना है कि मेकर्स पहले ही दिन से प्रतीक सहजपाल को इग्नोर कर रहे हैं। प्रतीक सहजपाल को कम स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, खतरों के खिलाड़ी 12 के मेकर्स अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को बैकग्राउंड साउंड देते हैं, साथ ही प्रतीक सहजपाल समेत बाकी के और कुछ कंटेस्टेंट को बैकग्राउंड साउंड भी नहीं देते हैं। इन सभी बातों को लेकर प्रतीक सहजपाल के फैंस ऑलरेडी खतरों के खिलाड़ी 12 के मेकर्स और कलर्स वालों पे भड़के ही थे। और एक बार फिर से कलर्स ने एक नया वीडियो रिलीज किया, जिसमें प्रतीक सहजपाल के साथ राजीव अदाथिया प्रैंक करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में प्रतीक सहजपाल को परेशान किया जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद प्रतीक सहजपाल के फैंस भड़क गए हैं कलर्स वालों पे। वीडियो में पहले तो राजीव अदाथिया प्रतीक को परेशान करते नजर आते हैं गन दिखाकर, और फिर बाद में बाकी के कुछ गुंडे भी आ जाते हैं प्रतीक सहजपाल को डराने धमकाने के लिए। फिर क्या, ये प्रैंक वाला वीडियो देखने के बाद फैंस और भी बरस गए हैं खतरों के खिलाड़ी 12 और कलर्स वालों पे। फैंस का कहना है कि इस वीडियो के जरिए प्रतीक सहजपाल का इंसल्ट किया जा रहा है। ये वीडियो रिलीज कर प्रतीक सहजपाल का इंसल्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इन सब पे, और आपको क्या लग रहा है इस वीडियो के जरिए, क्या सचमुच प्रतीक सहजपाल का इंसल्ट हो रहा है, कमेंट कर हमें बताएं। खतरों के खिलाड़ी 12 के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल गपशप्तों।